गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लश कल। आई एम रिया एंड आई एम बैक आफ्टर सो लॉन्ग। बहुत ही ज़्यादा ब्रेक्स लिए हैं मैंने, आई नो, बट अभी मैं पक्का कंटिन्यूसली वीडियोस डालूंगी। तो गाइस फाइनली मेरा लाइट सेटअप भी मिल गया है मुझे एंड नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड टू अपलोड द वीडियोज। सो गाइस ये आज का लुक मैंने क्रिएट किया है अंडर 100 रुपीज़ के प्रोडक्ट यूज करके, लाइक 100 रुपीज़ के भी नीचे प्राइस वाले प्रोडक्ट यूज़ करके मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। एंड अगर आप बिगिनर्स हो, आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, या फिर आपको जस्ट मेकअप स्टार्ट करनी है, कहीं जाना है तो थोड़ी बहुत मेकअप आप करते हो, तो आप ये किट बना सकते हो अंडर 100 रुपीज़। लाइक 100 रुपीज़ के भी नीचे के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी अच्छे वाले। एंड उस प्रोडक्ट को यूज़ करके मैंने लुक क्रिएट किया है। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो पूरा देखना एंड मैंने लुक कैसे क्रिएट किया आप देखना। तो गाइस एक छोटी सी चीज़ मेरे लिए आप जरूर करना कि नीचे आप देखोगे तो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर देना एंड साथ में बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करना, सो दैट आपको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। गाइस ये चीज़ बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना। एंड अगर ये लुक अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए एंड कमेंट में बताना वीडियो कैसे लगा। एंड अगर आपके कोई डाउट्स है वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। तो चलो देखते हैं वीडियो कैसे क्रिएट किया, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लगाएंगे टोनर, और टोनर के लिए मैंने ये आज गुडनेस का टोनर लिया है। ये बहुत ही अच्छा टोनर है एंड अंडर 100 लाइक अराउंड 88 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। अभी मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने अगेन आज गुडनेस का ये मॉइस्चराइज़र लिया है। ये एक डे क्रीम है, तो बहुत ही अच्छा हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। तो अभी प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। तो प्राइमर अंडर 100 का मुझे नहीं अवेलेबल हो रहा था, तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो, हर एक के घर में एलोवेरा जेल अवेलेबल होता है। अभी हम फाउंडेशन के लिए यूज़ करेंगे NYBAC कंसीलर स्टिक, बहुत ही अच्छा कवरेज देती है इसीलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और अंडर 100 रुपीज़ में इतना अच्छे हमें कंसीलर स्टिक अवेलेबल होती है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह मैंने लगा, ये एक डैम स्पंज की हेल्प से हम ब्लेंड करेंगे। तो ये सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर लेना। अभी आप देख सकते हो मैं डैब डैब करके ब्लेंड कर रही हूँ, आपको सिर्फ डैब डैब ही करना है, तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड केक ही नहीं लगता। तो कुछ इस तरह मैंने ब्लेंड कर लिया है। अभी हम कंसीलर लगाएंगे, उसी लिए मैंने लिया है डार्लिंग एसाबेला का कंसीलर एंड इसको हम अंडर आइज़ को लगाएंगे। आप देख सकते हो अंडर आइज़ को थोड़ी सी कवरेज की ज़रूरत है, तो थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, अदरवाइज़ बेस हमारा बहुत केकी लगता है। फिर आप देख सकते हो कुछ इस तरह कंसीलर लगाना होता है, तो बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस लुक आ जाता है। अभी इसको भी ब्लेंड करेंगे डैब डैब करके, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है सो दैट बेस हमारा बहुत ही क्लियर एंड क्लीन दिखेगा। तो अभी कुछ इस तरह मैंने ब्लेंड किया है। स्पंज को आपको थोड़ा सा गीला करना है एंड वाटर, एक्सेस वाटर को स्क्वीज करना है। इससे क्या होता है कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है एंड बेस भी बहुत अच्छे से खिला हुआ लगता है, बहुत ही प्रॉपर एंड ब्लेंडेबल लगता है। नाउ अभी इसको सेट करने के लिए मैंने NYBAC की कॉम्पैक्ट ली है, ये भी आई थिंक अंडर 100 रुपीज़ में आपका अवेलेबल होगी आप चेकआउट करोगे तो। तो इसको मैं ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी, पूरे फेस को मैं सेट करूंगी सो दैट हमने जो क्रीमी प्रोडक्ट्स लगाए वो हमारे स्किन में सेट हो जाए एंड फिर वो निकल नहीं जाएंगे, अच्छे से स्किन में सेट हो जाएंगे। अभी इसको कुछ इस तरह मैं आईज़ को भी सेट करूंगी, क्योंकि फिर हम अभी आई मेकअप करेंगे तो बहुत ही अच्छा पॉपी लुक आ जाएगा। अभी मैंने SFR कलर का पैलेट लिया है, इसमें से मैं ये ब्लैकिश लाइक शेड ले रही हूँ, ग्रेइश शेड है ये, इससे मैं मेरे पहले आईब्रोज फिल करूँगी। तो आप कुछ इस तरह का एक कॉमन पैलेट ले सकते हो जिसमें ब्राउन ब्लैक कलर्स हो, जिससे आपका पूरा यू नो मेकअप हो जाएगा। तो कुछ इस तरह मैंने आईब्रोज को फिल किया ना, अभी ये मैं ब्राउनिश शेड लूँगी, इसको मैं पूरे आईलिड पर लगाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो क्या करना है, लेना है थोड़ा सा आईलिड पर प्लेस करना है एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, दैट्स इट। तो कुछ इस तरह आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लुक आया था गाइज। सो ब्राउनिश आईलिड हमारे हो गया। अभी इसको हम लेंगे आईलाइनर, और आईलाइनर के लिए मैंने लिया है NYBAC आईलाइनर।
ये गाइस लिटरली 50 रुपीज़ में अवेलेबल होता है, बहुत ही अफोर्डेबल, मैट फिनिश देता है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह। मैं हल्का सा विंग ड्रॉ करूँगी तो बहुत ही अच्छा दिखता है ये विंग। आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, ऑफिस गोइंग गर्ल्स हो तो ये ट्राई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कितनी ईजीली हो गया। अभी स्टेक ओर्की की ये काजल है, इसको मैंने लिया है, बहुत ही पिगमेंटेड है। तो अभी मैं मेरे लैशेस को थोड़ा सा कर्ल कर रही हूँ लैश कलर की हेल्प से, एंड मस्कारा लगाऊंगी। ये नॉर्मल मस्कारा है, तो अंडर 100 रुपीज़ का मस्कारा आई थिंक मुझे, मेरे पास नहीं था ब्रांडेड वाला तो मैंने ये नॉर्मल वाला लिया। ये SFR कलर का जो पैलेट मैंने दिखाया पहले, उसमें से कॉफ़ी शेड लेके मैं ब्रॉन्जिंग करूँगी, और हल्की हल्की ब्रॉन्जिंग करूँगी मैं, ज़्यादा नहीं। तो चीक्स को लाइक हॉलो ऑफ द चीक्स, थोड़ा सा जॉ लाइन पर, फॉरहेड पर एंड नोज़ पर भी कुछ इस तरह मैं ब्रॉन्जिंग करूँगी, सो दैट हमारा जो लुक है बहुत ही डिफाइन लगेगा। तो कुछ इस तरह मैंने ब्रॉन्जिंग कर ली। अभी लिपस्टिक की बारी। तो लिपस्टिक के लिए मैंने लिए ये NYBAC की लिपस्टिक। इसकी शेड वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली जाकर लिंक चेकआउट कर सकते हो, या फिर मैं स्क्रीन पर भी प्रोवाइड करूँगी आप लोगों को, तो स्क्रीन पर भी देखना। बहुत ही ब्यूटीफुल सी न्यूड शेड है ये गाइज, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, ऑफिस गोइंग गर्ल्स, एवरीडे के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो चिक्स पर भी मैंने लगाई क्योंकि ब्लश अंडर 100 का नहीं था, तो आपके पास अगर ब्लश नहीं है तो आप लिपस्टिक से काम चला सकते हो। ये मेरा फाइनल फिनिश लुक है, आई होप सो गाइज आपको ये लुक पसंद आया होगा। बहुत ही सटल सा लुक मैंने क्रिएट करने का ट्राई किया है, अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई होप अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।